जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी हम लोग कल डिस्कस किया था हमने बाय नेचर क्लासिफिकेशन। तो अगर कल वाली चीज टॉपिक से रिलेटेड कोई इश्यूज कोई कंफ्यूजन हैं तो पहले वो क्लियर कर ले, नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करें। अकाउंटेंट्स जो होते हैं फर्म के अंदर, वो बेसिकली उस फर्म में अकाउंटेंट्स ने ही रोल प्ले करना होता है। जैसे एक ऑडिट फर्म है, देखिए अगर अकाउंटेंट्स इन अ फर्म, अकाउंटेंट्स की फर्म है तो जाहिर है या तो वो ऑडिट सर्विसेज देते होंगे या फिर वो अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए कोई सर्विसेज देते होंगे कि जी हम आपकी कंपनी के अकाउंट्स बना देते हैं, कुछ इससे रिलेटेड काम होगा। ये ऑडिट करेंगे या फिर वो अकाउंट्स बनाने का काम करते होंगे या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते होंगे। तो स्टिल जो उसमें अकाउंटेंट्स हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं उस फर्म की, वो सारे के सारे डायरेक्ट वर्कर्स ही होंगे, क्योंकि यही उनकी उस फर्म की कोर एक्टिविटी है, तो यही वो परफॉर्म करेंगे। फर्म का मतलब जब भी इसमें अकाउंटेंट इन्हें फर्म कहा जाए तो यहाँ पे फर्म का मतलब है कि या तो वो ऑडिट फर्म है या फिर वो अकाउंटेंट्स की फर्म है जो कि अकाउंट्स वगैरह की बनाने की सर्विसेज देते हैं। हसन, मैं बट साहब से बात करूंगा कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकले, अगर ऐसा हो जाए तो ये वाकई में आप सही कह रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि टेस्ट बेसिकली आपकी ग्रेड परसेंटेज को इम्प्रूव करता है। नहीं नहीं तबीयत ठीक है मेरी तारिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। गला आई थिंक थोड़ा सा शायद मसला कर रहा हो, अदरवाइज वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हम बात कर रहे थे कन्वेयन कॉस्ट, ठीक है। हम मैंने कहा था कि कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। सो जब हम कहते हैं कन्वेयन कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स कन्वेयन कॉस्ट का मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। इसका एक फॉर्मूला और भी है कन्वेयन कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यानी कि या ये वाला फॉर्मूला कर लें या ये फॉर्मूला कर लें, दोनों आने आपको दोनों चाहिए। अब ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इससे बड़ा वाजे फर्क आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट में और कन्वेयन कॉस्ट में फर्क क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट में और कन्वेयन कॉस्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का होता है। जी आसान, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा अब ये कि जी कन्वेयन कॉस्ट है, जिसमें कन्वेयन कॉस्ट कहते हैं कि रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे शर्ट है तो फैब्रिक को शर्ट में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। जी एग्जैक्टली, अगर वुड है तो उसको चेयर में या टेबल में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। अब बात यहां पर यह कि सिर्फ कन्वर्ट करने वाला पोर्शन हमने लेना है, सिर्फ कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। यानी कि
जो उसको कन्वर्ट करने पे कॉस्ट आ रही है, सिर्फ हम उसको जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी कि अब डायरेक्ट मटेरियल को शामिल नहीं करेंगे। जैसे अगर हम चेयर बना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वुड है, इस वुड को चेयर में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, तो कन्वर्ट करने पे वुड कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वुड के ऊपर तो काम करना है हमने, वुड को तो चेयर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वेयन में हमारी एक तो लगेगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जा रहा है जो वर्कर वुड पे काम करेगी वो डायरेक्ट लेबर में आएगी, फिर प्लस उसके अलावा डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई लग रहा है, और इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो वुड को चेयर में कन्वर्ट करने पे या फैब्रिक को शर्ट में कन्वर्ट करने पे जो कॉस्ट आएगी, वो उसमें वो किसके बराबर होगी, वो सम होगा डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, या इसको यूं भी कहा जा सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटीरियल। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वाली, ये अब बड़ा क्लियरली आपको बताएगा कि कन्वेयन कॉस्ट में और प्रोडक्शन कॉस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट में और कन्वेयन कॉस्ट में मेन जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, वो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे ये चीज वाजे हो जाएगी। जी गॉट इट। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में और कन्वेयन कॉस्ट में मेजर डिफरेंस डायरेक्ट मटेरियल का है। प्रोडक्शन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट मटेरियल को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम कन्वेयन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल को शामिल नहीं करते। कन्वेयन का वर्ड जो है वो कन्वर्ट से निकला है, इसको कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ये क्लियर है सबको? कन्वेयन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इज ओके? जी, कन्वर्ट करना मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अच्छा, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन। हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज फंक्शन, हम फंक्शन किसको कहते हैं, पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन इज बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज जो कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ऑल एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड फंक्शन। जैसे कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होती है, ठीक है, कंपनी के अंदर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनी के अंदर हम चीजें स्टोर कर रहे हैं, कंपनी के अंदर हम लोग चीजें परचेज कर रहे हैं, कंपनी के अंदर हम चीजें सेल कर रहे हैं, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें जो है ये फंक्शंस हैं। ये सब की सब चीजें क्या कहलाती हैं? फंक्शंस। ये सब की सब चीजें क्या कहलाती हैं? फंक्शंस कहलाती हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? फंक्शंस। ठीक है, अब जब हम कहेंगे बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन, इसमें हम करेंगे क्या, हम अपनी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है, हमारी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है, लेट से कि हमारी कंपनी की टोटल कॉस्ट 1 लाख है, तो अब हम इस 1 लाख को स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि हम इसमें से देखेंगे कि इस 1 लाख में से हमारे प्रोडक्शन फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, इसमें से हमारे सेलिंग फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, इससे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है। इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, इससे हमारे फाइनेंस फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, इससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है। और भी हो सकते हैं, परचेजिंग हो सकता है, स्टोरिंग हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन हो सकता है, डिफरेंट मतलब जितने भी कंपनी के अंदर हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं,
वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? फंक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि हम क्या परफॉर्म करें, ये हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन क्या है कि हम अपनी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है उसको फंक्शंस वाइज कैटेगराइज करते हैं। लाइक अगर हमारी कंपनी में 1 लाख रुपीज की कॉस्ट लगी है, तो इस 1 लाख रुपीज में से प्रोडक्शन फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, सेलिंग फंक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे कितनी आई है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन पे कितनी आई है, फाइनेंस फंक्शन पे कितनी आई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितनी आई है। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं ये है हमारी बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन। बेसिक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन का। देखिए होगा, इन मेरी एक बात याद रखिएगा, हम ये जो कर रहे हैं ना बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन, हर फंक्शन के अंदर होंगी वही कॉस्ट, ही मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, होगा वही कुछ ही। लेकिन अब उन तमाम मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को हम फंक्शंस वाइज कैटेगराइज करते हैं, यानी कि एक कैटेगरी बनाई नेचर वाइज। यानी कि हमारी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट लग रही थी, हमने पहले उसकी नेचर वाइज एक कैटेगरी बनाई कि इसमें से कौन सी मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, फिर उसको फर्दर सेपरेट किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब ये एक और एंगल है अपनी टोटल कॉस्ट को डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें आ जाता है बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन। तो बाय फंक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन की कॉस्ट अलग कर दी, सेलिंग फंक्शन की अलग कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अलग कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग कर दी, फाइनेंस की अलग कर दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग कर दी। तो ये जो है ये हमारी कहलाती है बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन। गॉट इट जी? अब हम इसमें से चंद फंक्शंस को देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है। अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन की कॉस्ट। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आएगा, जो भी हमें हमारा मटेरियल लग रहा है उसको हम, जो भी हमारा मटेरियल, लेबर या हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसको प्रोडक्ट को बनाने पर, वो हमारी क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जितने भी हमारे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी क्या कहलाएंगे। एक सेकेंड स्टूडेंट सर, अच्छा अब स्टूडेंट्स बात ये हो रही थी कि प्रोडक्शन फंक्शन पे, यानी कि जितना भी, जितनी भी हमारी मटेरियल कॉस्ट लग रही है, लेबर लग रही है, एक्सपेंसेस लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हो रही है, समराइज अगर करूं तो इट मीन्स कि इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला था वो इसके ऊपर पूरा उठता था। अब प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, तो एग्जैक्टली प्रोडक्शन फंक्शन में यही कॉस्ट आएगी, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड।
सो ये वो सारी चीजें जो प्रोडक्ट बनाने में लगती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट जो है, मार्केटिंग का मतलब है सेलिंग, मार्केटिंग कह लें या सेलिंग कह लें एक ही बात है। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है सेलिंग फंक्शन, सेलिंग फंक्शन में हमारे पास आती है एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं, मार्केटिंग वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, प्रमोशंस लगाते हैं। यानी कि अब सेलिंग फंक्शन में कौन सी कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स करने के लिए जो हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो हमारी सेलिंग में आएगी। यानी कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो हमारी सेलिंग में आएगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, हम एड्स चलाते हैं टेलीविजन पे, इंटरनेट पे, बिलबोर्ड्स पे, स्ट्रीमर्स हैं, न्यूज़पेपर है, कोई भी सोर्स हम उसका जो है वो मीडियम यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए जी। प्रोडक्शन कॉस्ट को ही आसान मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट्री कहते हैं जहां पे कुछ बनता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, किसी चीज को बनाने की कॉस्ट। अच्छा जी, कमिंग बैक टू सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट हम करें टेलीविजन पे, मोबाइल, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी किसी भी सोर्स की अगर हम मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो डेट इज द सेलिंग एक्सपेंस। इसी तरह से प्रमोशंस लगती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, तो वो प्रमोशंस भी बेसिकली इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि हमारी सेल्स जो है वो बढ़ जाए, हमारी सेल्स में आ जाए। तो इसीलिए हम लोग जो है ये प्रमोशंस वगैरह भी लगा रहे होते हैं। इसी तरीके से जो हम कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देते हैं कि अगर आपने हमसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज की तो हम आपको इतने परसेंट उसके ऊपर डिस्काउंट देंगे, तो वो जो बल्क परचेजिंग के ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिलता है बल्क बाइंग के ऊपर, सॉरी कस्टमर को जो हम देते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमें ज्यादा, हमसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, कोई कस्टमर यानी कि हम किसी कस्टमर को ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हम उसको एक डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट भी हमारा सेलिंग एक्सपेंस में आता है, सेलिंग कॉस्ट में आता है। इसी तरीके से जो हमारी शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, उनके रेंट्स हैं या उनके बिल्स हैं, तो वो भी हमारी सेलिंग एक्सपेंस में आता है, क्योंकि वहां पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे हैं, तो वो भी जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। फिर इसी तरीके से जो हमारा सेल्स स्टाफ है, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे सेल्स मैनेजर है या सेल्समैन है, तो सेल्समैन को जो हम सैलरीज देते हैं, सेल्समैन को जो हम सैलरीज एंड कमीशन जो हम दे रहे हैं, कमीशंस देते हैं, सैलरीज एंड कमीशंस, वो भी हमारे सेलिंग में आते हैं। सेल्स स्टाफ को जो हम सैलरीज कमीशंस वगैरह देते हैं वो भी इसके अंदर ही हमारे आते हैं। फिर इसी तरह से बैडेट्स जो है ये भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। बैडेट्स ये होते हैं बेसिकली कि अगर हमें कोई हमारा जो है किसी कस्टमर को हमने क्रेडिट पे चीज बेची है और उस कस्टमर ने हमें पे नहीं किया टाइमली, वो हमारे बैडेट्स में शामिल होगा, यानी कि वो हमारे सेलिंग में आएगा। वजह, सेल्स डिपार्टमेंट में एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर की बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पहले ये इस चीज को एनालाइज करे क्रेडिट पे चीज सेल करने से पहले कि क्या ये कस्टमर ट्रस्टवर्दी है या नहीं, मतलब हम इसको क्रेडिट पे हमें चीज बेचनी चाहिए या नहीं। तो अगर उसके बाद ये कंक्लूजन आती कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है तो हम उसको क्रेडिट पे चीजें बेचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो बैड डेट्स भी जो है वो भी हमारे सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं, राइट जी। इसके बाद आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं, जब कोई हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, बिक जाती है, तो प्रोडक्ट के बिकने के बाद जो हम उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे अब कोई कस्टमर है उसने चीज खरीद ली, अब हम उसको लोड करवा के उसकी प्रेमिसेस तक, उसकी लोकेशन तक छोड़कर आ रहे हैं, डिलीवर करके आ रहे हैं, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। इसमें ये भी आ जाती है कि जैसे कंपनी ने जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, तो अगर उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो चीजें बन गई हैं उसको कंपनी के स्टोर रूम तक या कंपनी के शोरूम तक पहुंचाया जाए तो वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है फ्यूल कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आती है,
फ्यूल कॉस्ट यानी कि जो जा रहे जिन गाड़ियों को लोडर्स को आप यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर जो आप फ्यूल पेट्रोल वगैरह डीजल या वट एवर जो भी आप यूज करते हैं तो वो एक कॉस्ट उसके ऊपर पड़ती है। फिर ड्राइवर्स को जो आप सैलरीज या वेजेस पे करते हैं ड्राइवर्स की, वो इसमें आ जाती है। फिर इसके अलावा ड्राइवर्स का अगर कोई मेडिकल है, उनका TADA है, तो वो भी इसके साथ इसमें शामिल है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो इंश्योरेंस भी इसके अंदर आती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर व्हीकल्स की जो गाड़ियां जो आप यूज कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी पार्किंग चार्जेस हैं, रोड टैक्स हैं, ठीक है, पार्किंग चार्जेस हैं, ये पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, ये भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं। इसमें चलांस भी आ सकते हैं, अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चलान वगैरह होता है तो वो भी इसके अंदर शामिल है कि चलांस भी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ पैकिंग का, सब स्टूडेंट्स जरा इस पे फोकस करें कि जब हम कहते हैं ना पैकिंग, तो पैकिंग दो किस्म की होती है। पैकिंग जो होती है उसकी दो टाइप, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक क्या होती है प्राइमरी पैकिंग, और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग और दूसरी क्या है, सेकेंडरी पैकिंग। अब जो प्राइमरी पैकिंग है उसको हम कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। प्राइमरी पैकिंग क्या है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्राइमरी पैकिंग इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इस पैकिंग के बगैर वो प्रोडक्ट मुकम्मल ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। सेकेंडरी पैकिंग जो होती है दैट इज नॉर्मली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ये नॉर्मली किस लिए होती है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। अब प्राइमरी पैकिंग की एग्जांपल है, जैसे आप कोई टूथपेस्ट, आपने कोई टूथपेस्ट ली, अब टूथपेस्ट की जो ट्यूब पैकिंग है, जो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट में जो एक ट्यूब पैकिंग है, वो ट्यूब पैकिंग जो ट्यूब है बेसिकली वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट उस ट्यूब के अंदर पेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन वो जो टूथपेस्ट है वो विदाउट ट्यूब मुकम्मल नहीं है, तो वो जो उसमें जो ट्यूब है दैट इज द प्राइमरी पैकिंग। वो जो ट्यूब पैकिंग है, ट्यूब जो है उसकी, वो क्या है, वो एक प्राइमरी पैकिंग है, एग्री। बाद जो उसको एक आप बॉक्स में डाल देते हैं तो वो जो बॉक्स है दैट इज द सेकेंडरी पैकिंग। इसी तरीके से अगर आप कोई मार्केट से पानी या कोको कोला की कोई डिस्पोजिबल बॉटल लेते हैं, तो उसकी अब ड्रिंक, तो जो प्रोडक्ट है वो ड्रिंक है जो उस प्लास्टिक बॉटल के अंदर है, वो ड्रिंक मुकम्मल नहीं है विदाउट द प्लास्टिक बॉटल। अब वो जो प्लास्टिक बॉटल है डेट इज द प्राइमरी पैकिंग, उसके बगैर वो प्रोडक्ट मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो अब जो प्लास्टिक बॉटल है वो प्राइमरी पैकिंग है, हाँ, लेकिन वो जो हम देखते हैं कि 6 बॉटल्स का या 12 बॉटल्स का एक पेट फॉर्म में एक प्लास्टिक शीट ऊपर चढ़ा दी जाती है, लगाई हुई होती है, 6 बॉटल्स को एक पैक करके एक पेट फॉर्म में ले आते हैं, तो वो जो आप दैट इज द सेकेंडरी पैकिंग। या क्रेट्स में डाला जाता है तो क्रेट्स आर द सेकेंडरी पैकिंग। वो इसलिए किया जाता है ताकि ये जब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो ये बॉटल्स हैं ये इधर उधर गिरे नहीं, क्योंकि इनमें गैस होती है तो ये फट सकती है, तो ये प्रोडक्ट सेफ एंड साउंड कस्टमर तक डिलीवर हो सके। तो सेकेंडरी पैकिंग जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए होती है। आप मार्केट से जैम लेते हो तो जैम बेसिकली द प्रोडक्ट इज जैम जो कि उस जार के अंदर, ग्लास जार के अंदर होता है, लेकिन क्या है कि वो
जैम उस ग्लास जार के बगैर मुकम्मल नहीं है, तो वो जो ग्लास जार है डेट इज द प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। लेकिन उन जार्स को फिर कार्टन में डालकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो जो कार्टन में डाला जाता है डेट इज द सेकेंडरी पैकिंग। गॉट इट? तो जो सेकेंडरी पैकिंग है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए होती है, सेकेंडरी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। गॉट इट जी? क्लियर है सबको? और जो प्राइमरी पैकिंग है ये आपकी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होने का मतलब कि हम इसको प्राइमरी पैकिंग को या तो डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करेंगे या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइमरी पैकिंग को या तो हम डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करते हैं या फिर हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ये प्राइम कॉस्ट के अंदर आती है। जबकि जो सेकेंडरी पैकिंग है इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में यानी कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रीट करते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हम इसको ट्रीट करते हैं। जी गॉट इट? जी पैकिंग के हवाले से क्लियर है सबको? ओके हो गया। तो पहले हमने डिस्कस किया कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, फिर सेकेंडली हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि सेलिंग में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, फिर हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं। अब फाइनली जो आपकी आती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस का मतलब ये कि जैसे कोई प्रिंटर्स वगैरह है, ठीक है, तो प्रिंटर्स वगैरह के जो कार्ट्रिजेस वगैरह इंक वगैरह होती है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर इसके अलावा जो ऑफिसेज में जो टेलीफोन वगैरह का यूजेज होता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और जनरल कोई मेंटेनेंस वगैरह जो चीजों की होती है, जनरल मेंटेनेंस, जनरल मेंटेनेंस वगैरह वो भी आपकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है वो भी इसके अंडर ही आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके अंडर एडमिन के अंडर ही नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस में डिफरेंट जो आपके प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, उनकी जनरल मेंटेनेंस वगैरह वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, ये चीजें भी एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। सैलरीज, अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट जरा सैलरीज के हवाले से गौर से सुनिएगा कि देखें सैलरी कंपनी में बेशुमार लोग हैं, लेकिन किन लोगों की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी? अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी प्रोडक्शन फंक्शन में जाएगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती। सेल्स मैनेजर की सैलरी है तो वो सेलिंग फंक्शन को चार्ज होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर की सैलरी है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को चार्ज होगी। अब फिर एडमिनिस्ट्रेशन में किन लोगों की सैलरीज आएगी? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरीज आएगी, जैसे ऑफिस के अंदर कोई स्वीपर्स हैं, गार्ड्स हैं, ऑफिस बॉयज हैं, उनकी सैलरीज वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। एचआर डिपार्टमेंट की सैलरीज जो है वो एचआर आपकी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, कोई भी एक्सपेंस है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर होता है। हाँ, अब वो मैनेजर्स जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन का पार्ट नहीं है, यानी कि जिनका कंसर्न एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के साथ है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से ज्यादा फंक्शंस की है, उनकी सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। यानी कि जिनको हम किसी ऐसा स्टाफ जिसको हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से किसी
या किसी स्पेसिफिक फंक्शन से हम रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे। जैसे कंपनी का जनरल मैनेजर होता है, जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह देते हैं, तो ऐसा जो वर्कर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या वो जनरल मैनेजर है कंपनी का, उनकी सैलरी या कोई डायरेक्टर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, क्योंकि इनका कंसर्न कंपनी का सीईओ, इनका कंसर्न कंपनी के किसी एक सेगमेंट से, किसी एक फंक्शन से नहीं है, इनका कंसर्न पूरी कंपनी के साथ होता है। तो इनकी, ऐसे लोगों की जो सैलरीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। गॉट इट जी। इसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस, जिस तरह, जिस तरीके से हम लोग घरों के लिए महीने की ग्रोसरी करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है जिस तरह हम लोग मंथली अपने घरों के लिए ग्रोसरी करते हैं, इसी तरीके से ऑफिस के लिए भी जो है कुछ सामान मंथली बेसिस पे परचेज किया जाता है ऑफिस यूज के लिए। जैसे आप कह लें कि पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, बॉल पेन, मार्कर्स, हाइलाइटर्स वगैरह, राइटिंग पैड्स, टिश्यू बॉक्सेस, ठीक है, इस टाइप की चीजें, इसी तरह से ये जो है फ्लॉपी डिस्क, री राइटेबल सीडीज, डीवीडीज वगैरह, ये मार्केट, ये मंथली बेसिस पे इनका एक स्टॉक परचेज किया जाता है। अब स्टॉक क्यों परचेज किया जाता है, क्योंकि ये ऑफिस में यूज होनी है चीजें, तो अब ये कंपनी के सारे स्टाफ के लिए हम खरीदेंगे, मतलब ये कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हम परचेज कर रहे हैं। तो इसकी जो चीज है वो किसको चार्ज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी चीज किसको चार्ज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में चार्ज होगी, ठीक है। तो ये कंपनी के सारे स्टाफ के लिए खरीदा गया, कंपनी के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के लिए खरीदा गया, यानी कि ये कलेक्टिव कंबाइन एक्सपेंस है, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। फिर इसी तरीके से कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस में, कैंटीन एक्सपेंसेस जो है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। अब अच्छा, अब यहां पर ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाती है जब मैं कहता हूँ कैंटीन एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट्स उसको अक्सर रिलेट करते हैं कि जो स्टूडेंट खुद जाके कैंटीन से खा पी रहे हैं, भाई वो तो आप खा पी रहे हैं, वो तो आपका एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस में कैंटीन एक्सपेंसेस नहीं आते। कंपनी के लिए कैंटीन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ऑफिस में अक्सर होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री, अक्सर ऑफिस के अंदर दो टाइम की चाय होती है फ्री में, मतलब आपको दो टाइम चाय मिलती है, तो वो जो चाय आपको दी जाती है डेट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैंटीन एक्सपेंसेस है और वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अब जाहिर है कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के लिए, सारे स्टाफ के लिए होगी, तो जाहिर है वो फिर उस एक्सपेंस को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डील करेगा। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो जो पूरी कंपनी के लिए कलेक्टिवली किया जा रहा हो, यानी कि उस एक्सपेंस का किसी एक डिपार्टमेंट से कोई लिंक ना हो, स्पेसिफिकली किसी एक डिपार्टमेंट का खर्चा ना हो, तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई ऑडिट वगैरह करवाते हैं तो ऑडिट की जो हम फी पे करते हैं, ठीक है, ऑडिट फी जो मैं, बल्कि इसको मेंशन करूंगा यहाँ पे, अगर हम कोई ऑडिट वगैरह करवाते हैं तो उस ऑडिट के जो हम फी पे करते हैं वो भी हमारी इसमें शामिल होगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। ऑडिट फी जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, क्योंकि ऑडिट हो रहा है पूरी कंपनी के अकाउंट्स का, तो जो हम ऑडिट फर्म को पे करें डेट इज दी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जनरल मेंटेनेंस किसी भी इक्विपमेंट की हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जितना भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का स्टाफ, उनकी सैलरीज, वेजेस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बिल्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अगर रेंट पे, तो वो भी सब कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नॉर्मली आती है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपनीज अपना अलग से भी जो है वो बना सकती हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट भी, लेकिन नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये मैंने अब आपको कुछ बताया कि किस फंक्शन में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं। अब इसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात याद रखें, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है ये आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आती है। ये किसमें आती है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। मैं इनके आगे लिख देता हूं,
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस जो हैं, इन इन फंक्शंस में कोई भी कॉस्ट लगेगी वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, अब यहां पर एक, इससे पहले कि मैं फर्दर आगे जाऊं इसके यूजेस की तरफ, यहां पर एक क्वेश्चन आप में से एक ने पूछा अभी, मैं उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कह लें, फैक्ट्री ओवरहेड्स कह लें, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इसको हम लोग नॉन फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, इसको हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो एक ही बात है, देखें फैक्ट्री क्यों का वर्ड यूज किया, देखें जब भी वर्ड फैक्ट्री का आता है तो फैक्ट्री का मतलब है जहां प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री कहते हैं उसमें जहां कुछ बनता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम फैक्ट्री फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री का वर्ड है वो प्रोडक्शन की रिप्लेसमेंट में यूज हो सकता है, अल्टरनेटिवली इसको यूज किया जा सकता है। तो हम फैक्ट्री कहते ही उसको है जहां कुछ बनता है, तो जब भी खाली फैक्ट्री का वर्ड लिखा हो तो हम उसको पूरी कंपनी नहीं कंसिडर करते, हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर करते हैं। जब भी खाली फैक्ट्री का वर्ड लिखा हो तो हम उसको पूरी कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ, अगर वो कहते होल फैक्ट्री, ठीक है, तो होल फैक्ट्री का मतलब होता है पूरी कंपनी, खाली फैक्ट्री लिखा हुआ है मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, गॉट इट जी। ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी, तो आज एक आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा मैं इसको मजीद इलेबोरेट भी कर दूंगा, अगर स्टिल किसी के जहन में कोई एम्बिग्यूटी है तो वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम करते इस क्लासिफिकेशन को यूज का हमें बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करें। इसके यूजेस में अगर आए तो सबसे पहले आता है कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि जी कैसे कंट्रोल करेंगे, कंपेयरिंग एक्चुअल विद बजट, यानी कि हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर करके ये कॉस्ट कंट्रोल करें, एक्चुअल को बजट से कंपेयर करके हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो उतनी तो नहीं लग रही, अगर वो उससे ज्यादा लग गई है तो फिर उसके अगेंस्ट हम लोग जो है वो कोई भी एक्शन लेकर उसको मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट करें। जी गॉट इट। तो कॉस्ट कंट्रोल इज बेसिकली कंपेयरिंग एक्चुअल विद बजट, कॉस्ट कंट्रोल इज कंपेयरिंग एक्चुअल विद बजट। आप लोग काइंडली आप में से किसी के पास अगर कोई डिवाइस है तो वो इसके ऊपर मत लिखें या डॉट्स वगैरह कोई भी चीज ऐसी मत यूज करें स्क्रीन के ऊपर स्लाइड के ऊपर। इसके बाद स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी याद रखें स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड
एड प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टॉक को हमेशा किस पर वैल्यू किया जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। स्टॉक को हमेशा किस पर वैल्यू करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। स्टॉक को हमेशा किस पर वैल्यू करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। ये बात अब आपने याद रखनी है, स्टॉक हमेशा किस पर वैल्यू किया जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। यानी कि ना तो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है और ना ही टोटल कॉस्ट पे। स्टॉक हमेशा किस पर वैल्यू होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर इसको वैल्यू किया जाए। स्टॉक को हमेशा किस पर वैल्यू करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। और तीसरा, ये क्लासिफिकेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करती है। ये क्लासिफिकेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। जब हम वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अब SPL कहा जाता है। जी जी बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ही हम इनकम स्टेटमेंट कहते थे, लेकिन अब इनके नेम्स ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, विच इज SOF, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वगैरह, ये बनती थी। इसके अलावा और भी होती है, नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स एंड सारी चीज। टू की मोहम्मद आरिफ साहब किस चीज की एग्जांपल? स्टॉक वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। स्टॉक वैल्यूएशन देखे ना, जब हम कहते हैं कि स्टॉक का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाई वो एक स्टॉक है। तो अब आप देखो, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? प्रोडक्ट कॉस्ट, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके अंदर एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, उसके अंदर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, उसके अलावा आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगेंगे। और जब प्रोडक्ट बन जाएगी उसके बाद फिर उसकी सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तब शुरू होते हैं। ओके हो गया जी। सो ये बेसिकली इस क्लासिफिकेशन के यूजेस हैं। अब देखो, अगर मुझे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ना पता हो, तो अगर मुझे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पता होगी, नहीं वो तो अब जार है हसन, वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स है कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू किस मेथड से कर रहे हैं, फाइफो से कर रहे हैं, एफको से कर रहे हैं, वो तो वैल्यूएशन मेथड्स आ जाते हैं, तो उसको आप इसके साथ मत रिलेट करो, ठीक है? वो मटेरियल के चैप्टर जब आएगा तो उसको फिर डिटेल में थॉरली हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, अगर मुझे हमें SPL बनाता हूँ, SPL में क्या होता है कि सबसे पहले सेल्स लिखी जाती है, सेल्स के बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। अब अगर मुझे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूंगा? नहीं निकाल सकता। जब तक मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मुझे पता, तब तक मैं ना तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकता हूँ, ना क्लोजिंग की, ना प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो इसका मतलब है कि जब मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकलेगी तो ज़ारा फिर GP भी नहीं निकलेगा। और अगर मुझे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस सेपरेटली ना पता चले कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, तो जब तक मुझे ये कॉस्ट सेपरेटली नहीं पता होंगी तो मैं GP में से ये एक्सपेंसेस माइनस किए बगैर तो नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बाय फंक्शन, ये आपको जी हसन, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको परचेजेस लिखते हो, लेकिन यहाँ पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में परचेजेस की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट लिखेंगे। बस ये फर्क याद रखिए, फाइनेंशियल में आपने
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जहां परचेजेस लिखते हैं वहां पे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी एसपीएल के अंदर। हाँ जी ओके हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको इस तरीके से हेल्प करती है। अच्छा अब एक छोटी सी एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि जी कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स, वन प्रोड्यूसेस केक, कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक जो है वो क्या कर रहा है केक बना रहा है, एक डिपार्टमेंट केक प्रोड्यूस करता है एंड द अदर प्रोड्यूसेस टेबल क्लॉथ, यानी कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है टेबल क्लॉथ बना रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है टेबल क्लॉथ बना रहा है। अब ये बात ध्यान में रखनी कि कंपनी क्या बनाती है, कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, एक जो केक बना रही है, एक डिपार्टमेंट केक बनाता है और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल क्लॉथ बनाता है। अब नीचे उसने कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट बताई है, ठीक है। अब सवाल उसका ये है कि जी क्लासिफाई द कॉस्ट एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कहते हैं कि ये जो सारी लिस्ट फेरिस्ट जो दी गई है आपने इसमें से बताना है कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट। अच्छा अब यहां पर एक और बात, खाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने मेंशन नहीं करना, मतलब अगर किसी कॉस्ट को आप डायरेक्ट कॉस्ट कह रहे हैं तो उसके साथ आपने ये मेंशन करना है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर किसी कोई कॉस्ट आपके मुताबिक इनडायरेक्ट है तो उसके साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और एक और चीज, इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ आपने आगे ये भी मेंशन करना है कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड है या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ये भी साथ आपने मेंशन करना है। चलिए जरा शाबाश, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, आपके पास जो है वो 5 मिनट्स का टाइम है, इसको जरा क्विकली जरा करें 5 मिनट्स।
नहीं आशीर, खाली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लिखना, उसके साथ आपने मेंशन करना है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मेंशन नहीं करना है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि जब मैं आपसे पूछूंगा तब आपने रिप्लाई करना है, मतलब मैं आपसे वन बाय वन करके वो उसका उसके बारे में आपसे पूछूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई कीजिएगा। स्टूडेंट्स डन, केजी चॉकलेट चिप्स ये क्या होंगी? अनीस फिर वही आधी बात है ना, डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब? डायरेक्ट कौन सी वाली डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस? बच्चे डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं खाली कोई जवाब। जी बिल्कुल ठीक है। ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल ठीक कह दिया आप लोगों ने। केक में ये एक मेजर इंग्रेडिएंट होगा और ये पर केक मैयरेबल है, ठीक है। आर्स ऑफ के
जी स्टूडेंट्स, आवर्स ऑफ केक डेकोरेटर्स टाइम क्या होगा? ये होगा जी डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ठीक है, फाइन। नाउ रेंट ऑफ द फैक्ट्री, लिखा हुआ है रेंट ऑफ द फैक्ट्री, जी बिल्कुल ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फॉल करता है। अच्छा, अब सवाल ये कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्यों, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज हुआ है फैक्ट्री, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, और हम फैक्ट्री को क्या कंसिडर करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर खाली फैक्ट्री का लफ्ज लिखा हो तो उसको क्या कंसिडर करना है आप लोगों ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब भी खाली फैक्ट्री का वर्ड लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो बच्चे, जब हम कहते हैं ना आवर्स ऑफ केक डेकोरेटर्स टाइम, तो डेकोरेटर्स का डेकोरेशन डजंट मींस कि हम कोई कैंडल्स वगैरह लगा रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा। केक के जो ऊपर डिजाइनिंग होती है, जैसे आप आइसिंग वगैरह करते हो या कुछ भी ऐसा, तो वो भी डायरेक्ट उसकी बेकिंग, उसकी मेकिंग का पार्ट है, तो वो डायरेक्ट लेबर में आएगा। जी 300 meters ऑफ पर्पल कॉटन, जी बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट इज जी टू सेविंग मशीन ऑपरेटर्स, जी टू सेविंग मशीन ऑपरेटर्स वर्किंग 40 hours ईच, ये किस कैटेगरी में आएंगे? जी ये आएंगे डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कार्डबोर्ड केक बॉक्सेस, कार्डबोर्ड केक बॉक्सेस, कार्डबोर्ड केक बॉक्सेस किस में आएंगे? नहीं एहसान, डायरेक्ट लेबर कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आप डायरेक्ट लेबर किस कैटेगरी में कार्डबोर्ड केक बॉक्सेस को लेबर क्यों कह रहे हैं? कार्डबोर्ड केक बॉक्सेस जो हैं, इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल और इट कैन बी डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और ये डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ सकते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज प्राइमरी पैकिंग, जो हम मार्केट से केक लेते हैं, केक की कंप्लीट फॉर्म विद बॉक्स होती है। केक की जो कंप्लीट फॉर्म है वो विद बॉक्स होती है, विदाउट बॉक्स केक कंप्लीट नहीं होता। अब यहां पर हमारा जहन इस चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आप में से कुछ लोगों का,
क्योंकि हम लोग जब केक परचेज कर लेते हैं उसके बाद वो बॉक्स में डाला जाता है, तो हमारी एक साइकोलॉजिकली हमें वो चीज लगती है कि शायद ये तो शायद कैरी करने के लिए हमने उसको बॉक्स में डाला, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी बेकरी से कोई केक लेते हैं तो वो केक की कंप्लीट फॉर्म विद बॉक्स होती है, विदाउट बॉक्स केक मुकम्मल नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये कि वो पहले से बॉक्स में क्यों नहीं है, तो उसकी दो वजूहत है। नंबर वन कि अभी वो जो प्रोडक्ट, जब आप बेकरी पे केक वगैरह लेने जाते हैं तो आपने पहले केक सिलेक्ट करना होता है, तो दार है वो केक, इस वजह से डिस्प्ले में रखना जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से फिर वो उसको पहले से डिस्प्ले पर्पस के लिए उसको पहले से बॉक्स में नहीं रखा जाता। सो इस वजह से जब आप उसको कस्टमर आके वो केक सिलेक्ट कर लेता है उसके बाद उसको बॉक्स में डालकर पैक किया जाता है, तो ये प्राइमरी पैकिंग है, वो जो बॉक्स है वो केक की प्राइमरी पैकिंग है। हाँ, फिर उस बॉक्स को अगर आप किसी बड़े शॉपिंग बैग में डाल देते हैं तो डेट इज ए सेकेंडरी पैकिंग। जब आप उसके बाद उसको एक शॉपिंग बैग में डालेंगे तो फिर वो सेकेंडरी पैकिंग बनेगी, अदरवाइज इट इज ए प्राइमरी पैकिंग। जो जो बॉक्स है वो प्राइमरी पैकिंग है, उस बॉक्स को जब किसी शॉपिंग बैग में डाला जाता है तो वो सेकेंडरी पैकिंग है, क्योंकि वो कैरिंग पर्पज के लिए है। जी मोहम्मद तारिक, इज इट क्लियर और नॉट? जी फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द होल फैक्ट्री। जी बिल्कुल ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट और ये किस में आएगा? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। उसकी वजह ये कि यहां पर इसने वर्ड यूज किया होल फैक्ट्री। जब आप कहते हैं होल फैक्ट्री तो होल फैक्ट्री का मतलब होता है पूरी फैक्ट्री की बात हो रही है, पूरी कंपनी की बात हो रही है। अगर यहाँ भी वो कहता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द फैक्ट्री तो हम उसको प्रोडक्शन बिल्डिंग से रिलेट करते हैं, लेकिन जब वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द होल फैक्ट्री तो इसका मतलब है कि अब वो पूरी कंपनी की बात कर रहा है। तो जो पूरी कंपनी का बिल है वो एडमिन कॉस्ट में जाएगा, वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का होगा तो फिर वो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जी इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? ओके। अच्छा, इसी तरह की मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है नोट्स के अंदर, जो आपको मैंने लेक्चर नोट्स भेजे थे उसमें है एग्जाम्पल नंबर, दैट इज योर होमवर्क। ये हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में मैंने आपसे ये डिस्कस करनी है ये एग्जाम्पल, और ये लाजमी कर कर आनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर टू, इसके अंदर वो कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर अ वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आप कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और फर्नीचर बनाने में ये सारी कॉस्ट जो है वो उसकी कंज्यूम होती है। जी, स्लाइड्स ऑब्वियसली तारिक साहब शेयर होंगी, तो जैसे डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी साथ साथ शेयर होंगी, टेंशन ना लें इस चीज। तो एग्जाम्पल नंबर टू में ये उसने आपको बताया, कहते हैं कि जी कंपनी है जो कि फर्नीचर बनाती है और फर्नीचर बनाने पे ये कुछ लगता है जिसमें वुड है, ग्लू है, लेदर स्किन फॉर चेयर है, और इसके अलावा डिजाइनिंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, सेलिंग ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं। अब नीचे रिक्वायरमेंट क्या है कि जी आपने प्राइम कॉस्ट बतानी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है और टोटल कॉस्ट बतानी है। फॉर्मूलाज आपके पास लेक्चर नोट्स में भी लिखे हुए हैं,
सो वही प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्शन कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, वो अप्लाई करेंगे जरा कैलकुलेट करें, 5 मिनट्स हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें, प्राइम कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट निकालें, आप कर सकते हैं। फाइव मिनट्स हैं आपके पास।
किसान की नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे ना, सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स। देखो आप उनके नाम के साथ लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड, यानी कि ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगाई गई, तो यानी कि उसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, सेलिंग से है, नॉन प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोडक्शन में नहीं आते, तो इसलिए वो भी नॉन प्रोडक्शन में जाएंगे। नहीं तारिक साहब, इसमें देखें कुछ गड़बड़ की आपने शायद, मुझे लगता है कोई कॉस्ट आपने मिस कर दी है। जी स्टूडेंट्स को मैं करवा रहा हूँ सॉल्व, जरा फोकस करें आप लोग भी इस पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास एक है वुड, डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है? वुड। और वुड की कॉस्ट कितनी लग रही है? 4000। और इसी तरीके से
डायरेक्ट मटेरियल आपका एक और भी इसमें लगा विच इज लेदर स्किन। और वो आपका लग रहा है 5,000 का, तो वो भी आपका इसमें आ गया डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं थी, तो डेट इज जीरो। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें बच्चे उसने दो बताई हैं। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाती है एक डिजाइन कॉस्ट। उसने लिखा हुआ है कि ये डिजाइन आपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बनाया, यानी कि ये स्पेसिफिकली कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बना, सो इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि नॉर्मली ये डिजाइन आप बनाते नहीं है, लेकिन चूंकि कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट किया था इस वजह से आपने ये बनाया। अब इसके अलावा एक है मशीन हायरिंग। मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया था कि अगर हम किसी वन ऑफ ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई मशीन हायर करते हैं, तो मशीन हायरिंग भी हमारे किस में आ जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और मशीन हायरिंग है हमारी 20,000। अब अगर हम इसका टोटल कर लें तो ये हमारी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। कितनी आ रही है जी प्राइम कॉस्ट, इन सब का अगर ये सारी वैल्यूज का अगर हम टोटल करें जी 30,200, सो दैट इज द प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट को हमने क्या ऐड करने हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जब हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसने यहाँ पे दो डिस्कस किए। एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स में उसने डिस्कस किया ग्लू, और ग्लू का वो बता रहा है कितने का है, 330 का। अब 330 इनडायरेक्ट मटीरियल है ना ग्लू, तो लेकिन प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो लिहाजा प्रोडक्शन ओवरहेड है। और इसके अलावा एक चीज और प्रोडक्शन ओवरहेड में आती है विच इज अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो उसने लिखा। अब अदर का वर्ड उसने यूज किया इसलिए कि एक तो ग्लू है ना, कह रहा कि उसके अलावा जो बाकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है आपकी वो उसने बताए कितने के, 3200 के, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आएगी, जी प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास बन जाएगी प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यानी कि 30,200 के अंदर हम 330 और 3200 अगर ऐड कर दें तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है 33,730। 33,730। अब हम अगर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करें तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एक तो आ जाती है आपकी सेलिंग, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी है। सेलिंग हमारे पास है 2400 का और एडमिनिस्ट्रेशन उसने हमें बताई है कितने की, 1500 की। अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 37,630। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी जी। अगर इसके हवाले से किसी को अगर कोई चीज इसमें क्लियर नहीं है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ लें। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। If it is clear,
तो आपके नोट्स में, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू, वो तो तकरीबन इसी तरह की है, एंड एग्जाम्पल नंबर थ्री, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये भी मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पर ऐड करवा दी। देखें, अगर डायरेक्ट लेबर होती तो हम डायरेक्ट लेबर लिखते, अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर है तो फिर हम ये देखते कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट लेबर है या नॉन प्रोडक्शन इनडायरेक्ट लेबर है। अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट लेबर होती तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लिखते, अगर वो अदर देन कोई और है तो वो फिर सेलिंग एडमिन में कंसिडर हो जाएगी। अभी भी ये देखे ना, हमने जो लिखी हुई है सेलिंग 2400 या एडमिनिस्ट्रेशन 1500, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कॉस्ट शामिल है, ठीक है। इसी तरह जो हमने अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं, तो अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुई है तो वो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल है 3200 के अंदर। जब हम कहते हैं ना सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर यही कुछ ही है, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट मटेरियल, यही चीजें आती हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके ना नोट्स ओपन किए हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये वाली एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल नंबर वन है जो मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एग्जाम्पल में भी आपने क्या करना है कि ये कुछ उसने कॉस्ट की लिस्ट आपको बताई, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये उसने कुछ आपको हेड्स बताए, कैटेगरीज बताई। नीचे उसने 20 एक्सपेंडिचर्स बताए, आपने इन 20 एक्सपेंडिचर्स के साथ मेंशन करना है कि ये ऊपर जो दी गई हैं ये सारी चीजें, इनमें से ये किस में फॉल करती हैं। यानी कि अगर जैसे लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन, तो लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन जो है ये आपके इनडायरेक्ट, लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन जो है ये इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आती है, तो हम आप इसके आगे लिखोगे ये इनडायरेक्ट मटीरियल है। और अगेन फिर वही बात कि अब चूंकि ये लुब्रिकेंट्स फॉर सेविंग मशीन, मशीन्स किस लिए यूज हो रही है, प्रोडक्शन के लिए, तो ये जो है ये इनडायरेक्ट मटेरियल तो है लेकिन आएगा किस में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल तो है लेकिन किस में कैटेगराइज होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर कैटेगराइज करेंगे। इसी तरह आपने वन बाय वन सारी चीजें नीचे, फ्लॉपी डिस्क फॉर जनरल ऑफिस कंप्यूटर, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर जनरल ऑफिस फोटोकॉपिंग मशीन, टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर कॉल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजों को आपने वन बाय वन ये इसमें कैटेगराइज करना है कि ये इसमें किस में से आती है, नंबर वन। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर टू है, एग्जाम्पल नंबर टू में ये बिल्कुल इसी टाइप की एग्जाम्पल है जैसे अभी हमने की है, अटेम्प्ट की है, बिल्कुल उसी टाइप की एग्जाम्पल है। एक ये आप लोगों का होमवर्क है, और तीसरा मैंने आपको दिया एग्जाम्पल नंबर थ्री, इसके अंदर भी आप लोगों ने प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वगैरह यही चीजें कैलकुलेट करनी है। सो ये तीन सवाल जो मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, आपका होमवर्क है, और ये प्लीज लाजमी आप लोगों ने करके आना। अब आपके साथ मेरी क्लास होनी है नेक्स्ट वीक मंडे को, तो उसपे आपने जितना हमने इस वीक में पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर कर आना है, और ये जो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। पहले रिवाइज कीजिएगा सारा सिलेबस, और जो क्वेश्चंस हमने एक दो क्लास में किए हैं उनको कीजिएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर आइएगा इन एग्जाम्पल्स, तो ये काम आप लोगों ने लाजमी कर कर आना है, इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीक यहीं से शुरू करेंगे।